उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की कोतवाली के मोहल्ला नबी करीम में कल देर रात तीसरी कक्षा की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजन पड़ोस में रहने वाले अबरार पर ही हत्या करने की आशंका जता रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन आज इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जब बच्ची के साथ खेल रहे बच्चों ने इस हत्या का राज खोला और बताया कि हम लोग टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, जिसमें एक युवती फांसी लगाकर आत्महत्या करती है, तो उसे देखकर सारे बच्चे फांसी खेल खेलने लगे, जिसमें एक मासूम 10 वर्षीय बच्ची सिमरन ने फांसी लगा ली। फांसी लगने के बाद बच्चे घबरा गए और कैंची से चुन्नी काटकर बच्ची को वहीं छोड़ डर कर भाग गए। आपको बता दें कि कल देर रात पड़ोसी के घर में मिले 10 वर्षीय मासूम बच्ची सिमरन के शव, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसी युवक अबरार को अपनी हिरासत में लिया था। अगर बच्चों से यह जानकारी नहीं उठाई जाती तो अबरार बेकसूर होते हुए भी सलाखों के पीछे पहुंच गया होता। इस हत्या की घटना के पीछे सबसे बड़ा अहम रोल सोनी टीवी चैनल पर आने वाले क्राइम पेट्रोल दस्तक सीरियल का है, जिसको देखकर इन बच्चों ने आपस में फांसी खेल खेला, जिसमें 10 वर्षीय बच्ची सिमरन ने फांसी लगा ली। टीवी में कौन सा सीरियल देखा था? क्राइम पेट्रोल। अच्छा, फिर उसमें एक लड़की फांसी लगाई थी। हम कहने लगे पुलिस वाले खेलेंगे, वो कह रही फांसी तो मैं लगाऊंगी। हम और खेले थे, फांसी तो उसने लगा ली थी, दुपट्टा इससे दुपट्टा बनवाया था मेरी बहन से। कैसे कैसे लगाई थी फांसी? अपने नीचे एक बाल्टी रखी थी, बस इतनी सी बची थी, अपने नीचे एक बाल्टी रखी थी, उसके ऊपर चढ़ के उसने दुपट्टा को बांध के अपने गले में ऐसे ऐसे बांध था, फिर वो उस पर लटक गई थी और बाल्टी को एक तरफ हटा दी, फिर वो हिलती रही। तो आपको पता नहीं चला कि वो मर जाएगी? नहीं, साढ़े 8 साल की एक बच्ची थी सिमरन और शम्मू, इसका एक बॉडी मिली थी नबी करीम मोहल्ले में कोतवाली में। पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगा है कि जो बच्ची थी अपने घर से रुष्ट होकर निकली थी, अबरार एक व्यक्ति हैं बगल में उनके घर में आई थी, उनके बच्चे और आसपास के बच्चों के साथ ये खेल रहे थे, खेलते खेलते ये टीवी भी देख रहे थे। टीवी पे एक प्रोग्राम में क्राइम पेट्रोल में एक सुसाइड का सीन था, तो उसको ये कॉपी करना चाह रहे थे। उसको कॉपी करने के लिए इन्होंने तैयारी करी, तो कुछ बच्चों ने बाल्टियों के ऊपर एक बच्चे को चढ़ाया जो सिमरन थी, सिमरन ने उसमें फिर अपने गले में फंदा डाला और उसके बाद क्या कहते हैं इन्होंने उसको कॉपी करने का पूरा प्रयास किया। जैसे ही क्या कहते हैं ये चीज़ हुई, उसके बाद इमिडिएटली जो बच्ची थी वो चौंक होने लगी, और जैसे ये हुआ सारे बच्चे डर के वहाँ से हट गए। इसमें चीज़ें यही सामने आई है कि ये क्या एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, जो बच्चे आपस में खेल के दौरान ये हो गया है, और इसमें कहीं ना कहीं टीवी के दुष्प्रभाव की बड़ी इफेक्ट है। तो सर टोटल ये क्या कहते हैं टोटल छः बच्चे हैं इसमें, और सभी क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कच्ची उम्र के हैं, 10 से कम इनकी एज है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट।